Hello everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new learning video. So, आज का video option trading series का एक next part video है. So, in today's video, we will be discussing about option Greeks. कि option Greeks क्या होता है? As a option trader, we all have listened about certain terms like theta, alpha, beta, gamma. तो ये सब ऑप्शन ग्रीक्स हैं. सो ऑप्शन ग्रीक का क्या इंपॉर्टेंस है, कितने टाइप ऑफ मेजर ग्रीक्स होते हैं, ऑल द थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो. सो इन दिस प्रीवियस सीरीज वीडियो, अभी तक इस ऑप्शन सीरीज में हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया. कुछ बेसिक्स को हमने डिस्कस किया ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग, लाइक व्हाट इज डेरिवेटिव मार्केट, व्हाट इज कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ATM, ITM, OTM क्या होता है बेस्ड ऑन मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस, एंड ATM, ITM, OTM के बेसिस पर व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू कंसेप्ट. सो आज के वीडियो में ऑप्शन ग्रीक्स को डिस्कस करेंगे. तो लेट्स बिगिन विद द ग्रीक्स ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग. सो बेसिकली देयर आर मेजरली फाइव टाइप्स ऑफ मेजर वाइडली नोन ऑप्शन ग्रीक्स. द फर्स्ट वन इज डेल्टा, द सेकेंड वन इज गामा, थर्ड वन थीटा, वेगा एंड द फिफ्थ एंड लास्ट इज द रो. सो होने को तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ग्रीक, बट दीज आर दी फाइव मेजर ग्रीक्स विच आर वर्ल्ड वाइडली यूज एंड नोन इन टू द मार्केट्स, या जो इम्पॉर्टेंट है. सो आज के वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डेल्टा एंड गामा. सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट देयर आर सम पीपल और सम ऑप्शन ट्रेडर्स जो कहते हैं कि ग्रीक्स को समझना उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, या ग्रीक्स मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में इम्पॉर्टेंट नहीं है. And there are some people who say that Greeks are everything into the option trading. So, दोनों ही अपने perspective से बिल्कुल right है. But as a option trader, आपको क्या चीज़ें मालूम होना चाहिए? So, there are certain traders जो option Greeks को जो देखते भी नहीं है. And there are certain traders who are only trading onto the basis of option Greeks fluctuation. जैसे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने option trading में सुना होगा that there are some gamma players और थीटा प्लेयर्स और डेल्टा प्लेयर्स, राइट? तो वो सिर्फ ऑप्शन ग्रीक्स को देखते हैं, चार्ट्स को नहीं देखते हैं, मेजरली द ऑप्शन सेलर. सो हियर वी कैन सी द वैल्यू और इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज ऑप्शन ग्रीक्स. बट इट्स नॉट लाइक दैट इफ यू डोंट नो ऑप्शन ग्रीक्स यू कांट मेक मनी इन टू द ऑप्शन ट्रेडिंग. सो एज अ ऑप्शन ट्रेडर वी शुड नो दीज टर्म दैट वॉट इज द इम्पॉर्टेंस एंड द बेसिक्स ऑफ दीज ऑप्शन ग्रीक्स. सो लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट ऑप्शन ग्रीक विच इज डेल्टा. So here I will just simply make a Google search to find out the definition. So here we will search out delta in option Greeks. So according to the definition, the first Greek is delta, which measures how much an option's price is expected to change per dollar change in the price of the underlying security or the index. For example, a delta of 0.40 means that the options price will theoretically move $0.40 for every $1 move in the price of the underlying stock or the index. So, its definition काफी simple है. इसे और थोड़ा simplicity में समझने की कोशिश करें. So, what is delta in the easy language? So, delta basically एक measure है कि आपका कोई भी selected option strike price कितना fluctuate करेगा as per the fluctuation into the Nifty 50. So, और इसको example को understand करने के लिए, here I have the option chain of Nifty 50. So, today's date is 27th August and currently Nifty has been closed around 16,705. So, this is the simple option chain of the Nifty 50. So, if we scroll down, so here we can see that the at the money strike is somewhat around 16,750. मतलब जहां पर इंडेक्स ट्रेड हो रहा होता है, द करेंट मार्केट प्राइस का स्ट्राइक प्राइस इज कॉल्ड द एट द मनी स्ट्राइक प्राइस. सो देयर इज अ फैक्ट दैट ऑलवेज द एट द मनी स्ट्राइक प्राइस विल बी हैविंग द डेल्टा ऑफ 0.50. व्हाट डज इट मीन कि करेंटली निफ्टी अगर 16,700 पर है, राइट? सो अगर कल के दिन मार्केट 16,700 से 16,800 पर चला जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, सो आपका जो सिलेक्टेड एट द मनी का ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस होगा, इट विल मूव बाय द 50 पॉइंट्स. इट मींस कि अगर डेल्टा 0.50 है एंड इंडेक्स 100 पॉइंट्स मूवमेंट करता है, सो जिस स्ट्राइक प्राइस का, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा अगर 0.50 है,
so it will move by only 50 points. Correct? So as we go in the money, right? हमने discuss किया था जो current market price से for the call option, जो भी ऊपर के strike prices हैं, like 16,800, 900 and 17,000, तो ये सारी strike prices का delta, जैसे जैसे हम out of the money जाएंगे, will keep decreasing from 0.5 to 0.4 and 0.3. So as you move out of the money, the delta keeps decreasing. So इसलिए आपका safety ज़्यादा होता है onto the out of the money option side. But the probability of winning the trade is also less. So अगर किसी strike price का delta, for example out of the money strike price का delta अगर 0.3 है, it means अगर Nifty 100 points का momentum करेगा, so that strike price will be only moving by 30 rupees. So in NSE option chain, Greeks का data यहाँ पर हम देखेंगे, तो कहीं पर भी mentioned नहीं है. So here I will be opening a website, an external website, which is known as Opstra Analytical Tool. So जहाँ पर Greeks का data we can easily compare and analyze. So this is the website and here we go, get started. So it's a famous tool for analyzing the options, majorly option buying or either the option selling. So it's a well-known software. So if we here just select a particular strike price, so here we can see the strike prices of this option chain. So currently Nifty ka jo at the money strike price hai, that we can see here is somewhat around 16,700. Ki Nifty ka current market price kya hai? 16,705. तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का यहां पर हम डेल्टा देख सकते हैं. हियर वी कैन सी दैट दिस इज द कॉलम ऑफ द कॉल डेल्टा एंड दिस इज द कॉलम ऑफ द पुट डेल्टा. सो हियर इफ वी स्क्रॉल डाउन कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस इज हाइलाइटेड हियर. सो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा कितना है? 51.69. तो हियर द डेल्टा हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय द 100 एंड इट्स इन द नंबर फॉर्म. सो 0.5 का मल्टीप्लाई बाय 100 इट्स 51, राइट? तो अप्रोक्स इट्स अराउंड 50 ऑफ द एट द मनी स्ट्राइक प्राइस. तो अगर निफ्टी 50 कल के दिन 16,700 से 800 जाता है, सो दिस स्ट्राइक प्राइस विल बी चेंजिंग बाय 50 पॉइंट्स. सो हियर वी कैन सी दैट एज वी गो आउट ऑफ द मनी, इट मीन 16,800, हियर वी कैन सी द डेल्टा इज कीप डिक्रीजिंग, राइट? 44.26, 36, 33 एंड 26. तो जितना आउट ऑफ द मनी जाएंगे उतना ज्यादा डेल्टा या आपकी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस का रिस्पॉन्सिव रेट, चेंज ऑफ रेट क्या होगा? डिक्रीज होगा. कॉज डेल्टा इज गोइंग टू डिक्रीज एज वी मूव आउट ऑफ द मनी. एंड जैसे जैसे हियर वी कैन सी आप इन द मनी जाएंगे, वी कैन ईजली स्पॉट द डेल्टा कीप्स इंक्रीजिंग 60, 70, 80 एंड गो ऑन, राइट? सो समवन वॉज आस्किंग दैट हाउ वी कैन ट्रेड और हाउ वी कैन सिलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस, कि जितना निफ्टी मोमेंटम करे अगर 100 पॉइंट्स तो हमारा स्ट्राइक प्राइस भी 100 पॉइंट्स का मोमेंटम करे. सो फॉर दैट वी नीड टू सिलेक्ट द ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस विद वन डेल्टा. सो हियर वी कैन सी 15,750 इज ट्रेडिंग अराउंड 93. इट मींस इफ निफ्टी मूव बाय 100 पॉइंट्स, इट विल बी मूविंग बाय ओनली 93 पॉइंट्स. सो दिस वॉज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ डेल्टा ग्रीक. अगर सेकेंड ग्रीक की बात करें, सो द सेकेंड ग्रीक इज गामा. तो गामा क्या होता है? गामा इन ऑप्शन ग्रीक्स. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी कैन सी दैट गामा इज वन ऑफ द ऑप्शन ग्रीक्स एंड इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डेल्टा ऑफ द ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू अ मूव इन द अंडरलाइंग एसेट. स्पेसिफिकली द गामा ऑफ एन ऑप्शन टेल्स अस बाय हाउ मच द डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन वुड इंक्रीज बाय व्हेन द अंडरलाइंग मूव्स बाय $1. सो गामा भी एक काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल ग्रीक है. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है? दैट गामा इज अ कैटलिस्ट मेजरली. गामा एक कैटलिस्ट है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा डिसाइड करता है कि डेल्टा कितने पॉइंट से चेंज करेगा व्हेन द निफ्टी मूव्स बाय द 100 पॉइंट्स. तो इसका कैटलिस्ट कौन है? गामा. सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी जस्ट सिलेक्ट अ स्ट्राइक प्राइस हियर, कि यहाँ पर ऑन द ऑप्स्ट्रा टूल अगर हम 16,700 का स्ट्राइक प्राइस बाय करें, so here I will be adding the position up. So yeah, so here we can see that the payoff graph of the Nifty 50 will look like this, and here we can select the Greeks menu
टू लुक ऑन टू द ग्रीक्स ऑफ द सिलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस। सो यहां पर हम देख सकते हैं दैट 16,700 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्टेड है एंड द डेल्टा ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज 51 एंड इफ वी नीड टू सी इट इन डेसिमल वी कैन सिलेक्ट दिस डेसिमल पॉइंट। सो हियर वी कैन सी दैट इन डेसिमल इट्स अराउंड 51 राइट 0.5 अप्रॉक्स। सो हमेशा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा इज अराउंड 0.5 एंड एज वी गो आउट ऑफ द मनी इट विल कीप डिक्रीजिंग एंड एज वी गो इन द मनी इट विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नंबर 1। ओके सो हियर वी कैन सी इन द ग्रीक्स मीनू दैट द गामा ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस इज अराउंड 0.07 इन नंबर्स। व्हाट डज इट मीन कि गामा क्या सिग्निफाई करता है। गामा इज द कैटलिस्ट which decides the rate of change of the delta Greek. What is the concept of the gamma effect? So usually there are gamma players who take the benefit of the gamma effect. Usually the option buyers. So options buyer ke liye gamma effect kya hai? Favorable hai. But option seller try to be safe from the gamma effect. So why is it so? Ki gamma effect kya hota hai? In certain cases when markets move so violently, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ द पेंडेमिक सिचुएशन या कोई रिजल्ट डिक्लेरेशन डे है, टैक्सेशन का रूल आने वाला है, सो इन सच रिजल्ट डे या सच न्यूज बेस्ड इन्फ्लुएंस मार्केट वायलेंटली काफी ज्यादा मूव करता है इधर डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन हो। सो इस केस में क्या होता है कि अगर निफ्टी वहां पर 100 पॉइंट्स का मोमेंटम कर रहा है बट इट हैज डन दैट मोमेंटम वायलेंटली, सो इस केस में क्या होगा, भले ही डेल्टा उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का 0.50 हो but the nifty will be moving in such violently movement by the 0.6 point or maybe 0.7 point. So why is it so? So this is called the gamma effect. Ki bhale uska delta wahan par 0.50 hai but agar market ne so violently move kiya to wahan par kya hoga, selected strike price 0.50 ke jagah ho sakta hai 60 points momentum kare per 100 movement of the nifty, हो सकता है 65 और 70 मोमेंटम करे। सो दिस इज कॉल्ड द गामा इफेक्ट कि वहां पर गामा काफी ज्यादा फास्ट होता है। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ द गामा इफेक्ट। सो दीज वर द टू ग्रीक्स इन द ऑप्शंस मार्केट विच इज गामा एंड डेल्टा। सो आज के दिन हमने टू ग्रीक्स को डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग ग्रीक्स ऑफ द ऑप्शन मार्केट एंड फ्रॉम द थर्ड वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग प्रैक्टिकल थिंग्स इन टू द ऑप्शन बाइंग एंड एज वेल एज द ऑप्शन सेलिंग। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए या डेली अपडेट्स के लिए या रिगार्डिंग वीडियो अपडेट्स के लिए यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज वीडियो। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।